तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय नेताओं की सात बड़ी गलतियों के बारे में। और ये ऐसी गलतियां हैं जिनका खामियाजा जो है देश आज भी भुगत रहा है। और ये जो सात गलतियों के जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये एक आर्टिकल के आधार पर करने जा रहा हूँ। और ये आर्टिकल लिखा था मेजर जनरल मृणाल सुमन ने। तो पहली जो गलती है वो हमारी है कश्मीर के ऊपर ही। तो कश्मीर जो है एक कैंसर बन गया हमारे लिए, और ये कैंसर हमने खुद बनाया है। अब इसमें जो है हमारी खुद की बहुत बड़ी गलतियां रही हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि अक्टूबर 1947 में जो है कबीलियाई ने जो है कश्मीर पे हमला किया, और ये कबीलियाई जो है एक तरह से जो है पाकिस्तानी आर्मी के ही लोग थे। अब इसके बाद जो है कश्मीर के राजा हरी सिंह जो है भारत के साथ मर्जर करते हैं कश्मीर का। अब क्योंकि मर्जर पूरी तरह से लीगली हो चुका है, तो टेक्निकली फंडामेंटली हर तरीके से जो है जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता है। अब इसके बाद जो है कोई दूसरा प्रश्न यहाँ पे उठता ही नहीं है। लेकिन जो है हमने बहुत बड़ी गलती यहाँ पे कर ली। तो जैसे ही जो है पाकिस्तान की फ़ौज यहाँ घुसती है, तो हमारी फ़ौज मर्जर के बाद जाती है वहाँ पे और पाकिस्तानियों को हम खदेड़ देते हैं। तो एक बहुत बड़े एरिया से जो है हमारी फ़ौज पाकिस्तान को खदेड़ देती है। तो पहली गलती हमारी ये रही कि हमने जो है 370 जैसी चीज़ बना दी, जिसके कारण जो है वो मर्जर जो है ठीक तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता है, कई भारतीय कानून जो है वहाँ पे लागू नहीं होते। तो ये सबसे बड़ी गलती कर दी कि हमने स्पेशल स्टेटस दे दिया। दूसरी बहुत ही बड़ी गलती ये हमने कर दी कि 1 जनवरी 1949 को हमने आर्मी का ऑपरेशन रोक दिया। हमारी आर्मी जो है लगभग सारा कश्मीर कैप्चर कर चुकी थी, 7 दिन का और उन्हें समय की ज़रूरत थी, और 7 दिन के अंदर जो है पूरा का पूरा कश्मीर जो है A to Z जो है वो कैप्चर हो जाता। लेकिन नेहरू ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी, वो जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए। तो ये इस उम्मीद में चले गए कि अब हम क्यों लड़ें यार यूएन से, हम क्योंकि हमारा लीगली मर्जर हो गया है तो हमारा यूएन से सेटलमेंट हो जाएगा, हमें वो मिल जाएगा। तो ये सोच के वो जो है वो यूएन में चले गए, और ये उनकी बहुत बड़ी गलती रही। अब यूएन में चले भी गए तो उसके बाद जो है उन्होंने प्लेबिसाइट के लिए जो है हाँ कर दी। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रही। प्लेबिसाइट के लिए हाँ करने का मतलब ये है कि आप खुद ही ये नहीं मान रहे हैं कि कश्मीर जो है आपका हिस्सा हो चुका है, और प्लेबिसाइट जो है भारतीय संविधान के हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो भारत का संविधान जो है जनमत संग्रह की किसी प्रकार की इजाज़त नहीं देता है। तो इसीलिए जो है ये चीज़ गलत थी, और फिर भी आपने कर दी। और पाकिस्तान इस चीज़ को समझता था, उसने कभी भी प्लेबिसाइट करवाया नहीं। उसको कश्मीर को मुद्दे को उलझाना था, और उलझाने के काम में जो है वो सफल हो गया। तो कश्मीर पर जो है नेहरू की जो नीति रही है बहुत घातक रही देश के लिए, और देश का 10% बजट जो है आज कश्मीर पर बर्बाद होता है, और ये जो है सिर्फ नेहरू की इस गलती के कारण है। दूसरी सबसे बड़ी गलती हमारी ये रही कि हमने अपनी मिलिट्री को जो है इग्नोर किया। हमने जो है ऐसी कोशिश ही नहीं की कि हमारी मिलिट्री जो है स्ट्रांग रहे। तो भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने कई आक्रमण जो है झेले हैं, अंग्रेज़ों के हमले झेले हैं, ईरानों के, अफगानियों के, तुर्कों के, और उसके साथ साथ फ्रांस के, पुर्तगालियों के, चाइना के, इतने सारे हमले झेले हैं, इतने सारे अटैक झेले हैं। फिर भी हम ऐसे देश रहे हैं जिसने स्ट्रांग मिलिट्री बनाने की नहीं सोची। तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, ख़ास तौर पे गांधी जी के कारण जो है एक पीस लविंग नेशन का हम थप्पा लगाए जो है बैठे हुए थे अपने ऊपर। तो हम ये सोच के मान के चल रहे थे क्योंकि हम पीस लविंग नेशन है, हम किसी पे हमला करेंगे नहीं, कोई हम पे भी नहीं करेगा, तो हमें एक स्ट्रांग आर्मी की ज़रूरत नहीं है। तो भले ही हमारे पास क्लियर साइन जो है ये आ रहे थे कि हमारे दुश्मन जो है बहुत मजबूत कर रहे हैं अपनी सेनाओं को, चाइना किस तरीके से एग्रेसिवली बढ़ रहा था भारतीय बॉर्डर्स की तरफ, ये सब सालों पहले से ही दिख रहा था, लेकिन नेहरू जी जो है आंख बंद करे इस पर बैठे रहे। तो 1962 पर जब चाइना हमला करता है, तो हमारे फौजियों के पास ना कपड़े थे, ना जूते थे, ना राइफल थी, फिर भी जो है वो लड़ रहे थे। तो ये सब जो है हमारी खुद की पर्सनल बेवकूफ़ी के कारण रहा है। और अभी भी आप देखिए कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध लड़ लिए हैं, एक जो है चीन के साथ लड़ लिया है, फिर भी जो है हमने खुद की डिफेंस इंडस्ट्री अभी तक डेवलप नहीं की है।
आज भी जो है हम अपनी डिफेंस ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम जो है दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। तो ये जो फैक्ट है ये एक शर्मनाक फैक्ट है ऐसे देश के लिए जो कि ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है, जो इतने लड़ाई लड़ चुका है, उसके पास डिफेंस इंडस्ट्री का ना होना ये एक अपने आप में ही जो है बहुत ही शर्मनाक बात हो जाती है। तीसरी सबसे बड़ी गलती की ताशकंद समझौते को करके। तो ताशकंद का जो समझौता था वो पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष वाला था, और उस पर जो है हमने साइन करके एक बड़ी बेवकूफ़ी की है। तो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता जो है हुआ था, बड़े ही रहस्यमय तरीके से हुआ। अचानक से शास्त्री जी की मौत हो जाती है और जो है समझौता कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो सबसे बड़ी गलती हमने ये कर दी कि यहाँ पे हाजी पीर पास जो है पाकिस्तान को दे दिया। तो 1965 में जो है हमारे कई सैनिकों ने बलिदान दिया था, उसके बाद जो है हमें हाजी पीर मिला था। तो बहुत ही बड़े बलिदान के बाद जो है हमें मिला था, लेकिन इसको हमने मुफ्त में ऐसे ही दे दिया। हाजी पीर पास जो है वो कश्मीर के पुंछ और उरी सेक्टर की दूरी जो है सिर्फ 15 किलोमीटर कर देता है, और अगर ये पास ना हो तो ये दूरी हो जाती है 200 किलोमीटर, यानी कि आपके ट्रूप्स मोबिलाइजेशन में बड़ी भारी प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ से एक पाकिस्तान को जो है एक शॉर्टकट रास्ता मिल जाता है अपने ट्रूप्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, अपने आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। तो ये चीज़ जो है हमने पाकिस्तान को दे के बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। और आज जो भी इन्फिल्ट्रेशन होती है वो पूंछ और उरी सेक्टर से ही होती है, और ये जो हाजी पीर पास है ये पाकिस्तान के लिए जो है एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ इस समय बनी हुई है। तो इसको दे देना पाकिस्तान को बहुत बड़ी गलती है, और हमने मुफ्त में दे दिया। बस पाकिस्तान ने एक जो है एक मौखिक सा जो है अंडरटेकिंग दे दी कि अब जो है हम लड़ाई नहीं करेंगे, और ये चीज़ भी जो है कुछ ही दिनों में समझ में आ गई कि ऐसी पाकिस्तान के कोई इरादे नहीं है। तो इस तरीके से उसको दे देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रही है। चौथी हमारी गलती रही है शिमला समझौते की। तो 2 जुलाई 1972 को शिमला में जो है ये समझौता हुआ था, और आप जानते ही हैं कि उस समय जो है 96,000 पाकिस्तान के फौजी जो है हमने बंधक बना लिए थे, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था, इतनी बुरी स्थिति में पाकिस्तान था। और ऐसी इन 96,000 बंधकों का जो है हम इस्तेमाल कर सकते थे पाकिस्तान से हर प्रकार की मांग को मनवाने के लिए, लेकिन हमने जो है ये ऐसे ही दे दिए। तो हमने समझौता कर लिया कि एक दूसरे हमने हमारे पास जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे। तो हमने पाकिस्तान को दे दिए उसके 96,000 PAW, और बदले में पाकिस्तान ने हमें दिए सिर्फ 617, और पाकिस्तान ने इसमें से 54 POW जो है भारतीय POW उनको नहीं छोड़ा था, जो कि आज भी वहाँ पर शायद जीवित हों उधर जेलों में, या फिर जो है शायद वो जो है शहीद हो चुके होंगे। तो हमने 96,000 पाकिस्तानी POW को ऐसे ही एक बार में दे दिया बिना कोई अपनी मांग को मनवाए, ये हमारी महा बेवकूफ़ी रही है। इस बेवकूफ़ी के कारण जो है 1971 की विजय जो है हमारे लिए फ्रूटलेस हो जाती है, क्योंकि हम जो है एक बड़ी समस्या का समाधान नहीं कर पाए इतनी बड़ी विजय के बाद भी। अगली गलती हमारी हो जाती है 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के समय। तो 1974 में जो है हमने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया। अब ये परीक्षण करते ही जो है हम छठे न्यूक्लियर ताकत वाले देश बन जाते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उस एक्सक्लूसिव न्यूक्लियर क्लब में हम एंट्री लें, उसमें अपना दावा पेश करें वहाँ पे जाने का, उस न्यूक्लियर क्लब में एंट्री का, और ताकि बहुत से फ़ायदे जो है हम आगे चल के उठा पाते। तो ये चीज़ हम कर सकते थे, लेकिन जैसे ही टेस्ट करते हैं हम, हमारे नेता जो हैं डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। इंदिरा गांधी जो है डिफेंसिव मोड में आ जाती हैं और टेस्ट को बोलती कि हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, और हमारा और डिफेंस मिनिस्टर आके बयान दे देते हैं कि ये तो हमने जो है माइनिंग ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन और ये सब करने के लिए जो है टेस्ट किया था, हमारा कोई परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं है, और इस तरीके की जो है बेतुकी जो है बातें करने लगे। तो जबकि हमें यहाँ पे दावा करना चाहिए कि अब हम भी परमाणु शक्ति वाले देश हैं, हम भी उस न्यूक्लियर क्लब में आएंगे। तो ये दावा अगर हम मजबूती से रखते और ज़रूरत पड़ती तो कुछ और टेस्ट कर लेते, तो हम जो है उस क्लब में मेंबर होते। तो उस क्लब में अगर हम मेंबर हो जाते तो 98 के परमाणु परीक्षण के बाद हम पर कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगते। तो यहाँ भी हमारी बहुत बड़ी गलती रही कि हमने जो है वो दावेदारी पेश नहीं की कि हम भी उस न्यूक्लियर क्लब में आए। हम वहाँ पर भी जो है अभी वही थप्पा लगाए बैठे थे कि हम पीस लविंग नेशन हैं। तो ये चीज़ भी जो है हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक रही। छठी जो है गलती हमारी रही है कांधार हाईजैकिंग की। तो कांधार
जो हाईजैक हुआ था, प्लेन जो हमारा हाईजैक हुआ था IC-814, वहाँ पे जो है उसको बचाया जा सकता था। वो प्लेन जो है 39 मिनट्स जो है अमृतसर एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए था, और उस समय अगर हम कोई स्पेशल कमांडो ऑपरेशन करते तो छोटे मोटे नुकसान से हम जो है उसको छुड़ा सकते थे, लेकिन हमने जो है ऐसा कोई काम नहीं किया। वो 39 मिनट जो है हमने सोचने विचारने में लगा दिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी चीज़ में जो है हमने वो समय बर्बाद कर दिया। तो हमारी कितनी घटिया जो है क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम रहा है, स्किल्स रही हैं, वो यहाँ से उजागर हो जाती है। तो हम एक तो उसको इतना बड़ा समय, 39 मिनट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इस तरह के ऑपरेशन तो कमांडो कार्रवाई में इसराइल जैसे देश 5 मिनट में कर लेते हैं, तो हमने जो है वो ऑपरेशन किया ही नहीं। हमारे फौजी जो है बिल्कुल केपेबल थे, लेकिन हमारी सरकार जो है सोचती विचारती रहेगी, तो वो काम हमने किया ही नहीं। और मजबूरी में बाद में जो है फिर हमें जो है 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, जिसमें से एक मौलाना मसूद अज़हर भी था, और ये मौलाना मसूद अज़हर जो है बाद में जैश मोहम्मद बनाता है और कितने सारे हमले जो है भारत पे करता है। तो इस तरीके से आतंकवादियों को छोड़ने के कारण जो है भारत के ऊपर जो है एक सॉफ्ट नेशन का टैग बन गया, कि इस ये एक ऐसा देश हो गया है कि जिसके खिलाफ कुछ भी कर दो ये कोई बड़ा एक्शन नहीं लेता। तो बाद में जो है हमारे पास और अटैक जो है इंटेंसिफाई हो जाते हैं, तो ये भी जो है हमारी बहुत बड़ी गलती रही। सातवीं हमारी बहुत बड़ी गलती रही कि हमने 1971 के युद्ध के बाद जो है बांग्लादेश से जो है भारी मात्रा में जो है घुसपैठिए घुसने दिए, ये भी जो है हमारे लिए बड़ी समस्या बनी। अब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार ने जो है अपने वोट बैंक के लिए असम में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए क्या किया, एक बिल वो पास करते हैं जिस इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाई ट्राइब्यूनल, ये जो है इस एक्ट का नाम था, 1984 में इसको पास किया गया था। अब इस एक्ट में दो बदलाव हो जाते हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई बांग्लादेशी धोखे से आ गया है, घुसपैठ करके आ गया है, तो आप पुलिस को फौरन इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस जो है उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन अब इस एक्ट के तहत इन्होंने उल्टा कर दिया, इसमें इन्होंने ये कर दिया कि अगर कोई आरोप लगा रहा है कि ये फलाना आदमी जो है बांग्लादेशी है घुसपैठी है, तो उसको ही वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो यानी अगर मेरे पड़ोस में कोई बांग्लादेशी आ रहा है तो मैं अगर पुलिस के शिकायत करने जाता हूँ तो पुलिस अब मुझसे कहेगी कि तुम ही साबित करो कि ये बांग्लादेशी। तो अब ऐसे कानून बन जाएंगे, तो कौन जो है प्रोएक्टिव स्टेप लेगा, ना पुलिस लेगी ना आम जनता लेगी। तो ये बिल इन्होंने इस तरह का इसीलिए बना दिया ताकि भरते रहें वो लोग, और फिर जो है इनको आधार और पैन कार्ड और राशन कार्ड सब तरह की चीज़ें भी दिलवा दी गई इन राजनीतिक लोगों ने, और जिसके कारण जो है वो इलीगल लोग जो है लीगल बनते जा रहे थे। अब इस एक्ट को जो है 2005 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया कि ये तो बिल्कुल असंवैधानिक है, और उसको हटाया गया। लेकिन ये हटाते हटाते जो है 20 साल हो गए। अब ये 20 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है, और इस 20 साल में जो है करोड़ों बांग्लादेशी जो है भारत में घुस गए, और इनमें से कई बांग्लादेशी जो है हमारे लिए मुसीबत बने हैं, आज भी बने हैं। इनकी आबादी भी जो है बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई हुई है, और कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ टेरर एक्टिविटीज़ में भी ये इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये भी जो है हमारी बहुत बड़ी गलती रही। इनमें से कुछ गलतियों को तो थोड़ा सा अभी सुधार लिया गया है, जैसे ये एक्ट हटा दिया गया, अभी NRC बन रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है कौन कौन घुसपैठिया है, उनको बाहर छोड़ने पर काम हो रहा है, 370 भी हटा ली गई है, तो कुछ चीज़ें तो सुधर गई हैं, लेकिन जो है अभी भी काफ़ी चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। जैसे अभी भी हम जो है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री नहीं बना पाए हैं, अभी भी हम जो है बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है अभी भी सुधार की ज़रूरत रखती हैं। तो ये रही मेरी आज की बात, इस पर जो है आप अपने विचार ज़रूर कमेंट में रखें। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।